हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धन सीरीज के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं धन ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करना होता है एंड वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को किस तरीके से ऐड करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आपको धन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, धन.com। सिंपली दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड 6 डिजिट का पिन नंबर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों किस तरीके से हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, चलिए इसके बारे में यहाँ से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स राइट साइड में आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो वॉच लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपने कितनी वॉच लिस्ट बनाए हैं। तो अभी हमारे पास 2 वॉच लिस्ट है, धन.fno का वॉच लिस्ट है और फर्स्ट वॉच लिस्ट के नाम से वॉच लिस्ट है, यानी 2 वॉच लिस्ट है। अभी फ्रेंड्स फर्स्ट वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स ऐड हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। 90 स्टॉक वॉच लिस्ट में है एंड धन.fno में 9 स्टॉक्स अभी ऐड हैं। तो इस तरीके से कितना स्टॉक आपका किस वॉच लिस्ट में ऐड है वो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप और न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी वॉच लिस्ट का नाम देना चाहें वो नाम यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग इसको नाम दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डे ट्रेडिंग अपनी वॉच लिस्ट को नाम दे दिया है। यहाँ से मुझे सेव करना है तो सिंपली यहाँ से मेरी वॉच लिस्ट सेव हो चुकी है। जैसे कि हम देखेंगे, देखिए डे ट्रेडिंग वॉच लिस्ट, तो अभी कोई एक भी स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं है। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सिंबल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस भी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने टाटा स्टील यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है, ये हमारा टाटा स्टील ऐड हो चुका है। अगर आप और भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना होगा। जो भी स्टॉक आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए तो ये स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 स्टॉक ऐड कर लिए हैं, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक। एंड आप और भी अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और शेयर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अडानी पावर को यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। देखिए मेरे पास 3 स्टॉक ऐड हो चुके हैं, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल एंड अडानी पावर। यहाँ पे आप इनमें से अगर किसी भी स्टॉक को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली राइट साइड में आपको एक कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से रिमूव भी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डे ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वॉच लिस्ट है, डे ट्रेडिंग, धन, फर्स्ट वॉच लिस्ट। अगर आप किसी को भी रिमूव करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ से आप इजीली रिमूव भी कर पाएंगे। किस तरीके से रिमूव करना होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए डे ट्रेडिंग में आपको कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए रिमूव यहाँ से लिखा भी आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ से क्लिक करना है तो अपनी वॉच लिस्ट यहाँ से आप यस करके रिमूव भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से फैंस आप धन ट्रेडिंग व्यू में अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड किसी भी स्टॉक को इजीली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे धन ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करना होता है एंड वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को किस तरीके से ऐड करना होता है। फैंस धन ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत सारे आपको
एक्स्ट्रा फ्यूचर भी मिल जाते हैं धन की तरफ से, जिससे हमें ट्रेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपने अभी तक धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली आप लिंक पे क्लिक करके धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको धन से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो धन की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, धन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।